दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चर्चा का विषय है बेरोजगारी। आप ट्विटर पर ही देख लीजिए, जितने ट्वीट पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाओं पर हैं, उससे कहीं ज़्यादा ट्वीट राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को लेकर किया जा रहा है। वहीं देश के युवाओं के द्वारा लगातार बेरोजगारी को लेकर छात्र अलग अलग तरीके से नौकरियों की मांग कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें युवा पीएम मोदी के जन्मदिन पर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का संदेश दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा मोदी के पुराने भाषणों को शेयर कर रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी आपको अपने प्रदेश और अपने शहर में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिल गए, मिल गए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। दोस्तों वहीं अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना लॉन्च की थी, जिसको लेकर छात्रों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार बेरोजगार युवकों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही, जिसको देखते हुए छात्रों ने मोदी के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये आप कुछ तस्वीर देख सकते हैं, कोई अपनी डिग्री को लेकर पीएचडी चाय वाला, तो कोई मोदी पकौड़ा स्टॉल खोल रहा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस समय देश में बेरोजगार अपने उच्चतम स्तर पर है, उस पर कोई भी नेता मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। और भारत देश की मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर आज भी आप देखेंगे तो उनके चैनल पर बेरोजगारी से जुड़ी एक भी डिबेट और खबर आपको नहीं मिलेगी। और पीएम मोदी को विश्व गुरु बनाने में मीडिया हमेशा लगी रहती है। फिलहाल दोस्तों पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर जिस प्रकार युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।